फिल्म कर रहे हैं फेडोराज रिंकल्स, जिसमें मेरा कैरेक्टर
उसका नाम है लुबना और मैं ज़्यादा आपको रिवील नहीं करूँगी बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड एक्चुअली हम दोनों उसमें हैं एंड आई एम प्लेइंग नेहा इन द फेडोरास रिंकल सो प्लीज वॉच इट सून एंड मुझे इरम मैम को विश करना हैप्पी 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 बर्थडे एंड आई लव द गेम बिकॉज शी इज़ द वंडर वुमन एंड उससे ज्यादा क्या ही बोलूं वंडर वुमन शी इज द बेस्ट एक्चुअली मतलब वन मैन आर्मी बोलते हैं ना ओह माय गॉड यस यस वन वुमन आर्मी सो मेरा जैसे मैंने बोला कैरेक्टर नेहा है और ये लुबना हम दोनों फ्रेंड्स का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हम एक्चुअल लाइफ में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं थैंक यू आगे बढ़ो और जितनी भी तकलीफ है ना तो भाई को दे दो ना दे हम दोनों को दे दो
बाकी इन सब कला आपके साथ में पड़ा है और हम आपके साथ में शादी बहार जो फिल्म है ये सत्य घटनाओं पे ही आधारित है और इसका सभी बात छोड़ के वो बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं है। तो ये फिल्म जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है और इस फिल्म को जो डायरेक्टर है वो है अभिलाष चौधरी जो कि जाने माने एक्टर है। दहाना फिल्म में मेन विलन बन के आए हैं, काफ़ी फिल्में की हैं अभी आपका पीडिया से गाड़ी करे हैं और अच्छे इंसान भी है। आप फिल्में जो देखेंगे वो सच में अच्छी होता है, रियल लाइफ में बहुत कुछ इंसान अगर होता है। यही क्योंकि कि हमें हमें जैसा कैरेक्टर चाहिए था मेरा डायरेक्टेड बाय मिस्टर फैजली बागरे एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर बाय डॉक्टर फैजली बागरे एंड एसोसिएट प्रोड्यूसर मिस्टर हमारे वन एंड ओनली जिनेश शेख जी। तो मेरा फैजली कैरेक्टर to get this character out.
And she's really a nice character. Yeah, and yeah, happy birthday to Ira. She's such a wonderful, you can say Wonder Lady, like a Superman, He-Man. Thank you.
लड़की जो एक बाकी लड़कियों के लिए एक मिसाल है, बाकी पूरे एक लड़की यू कैन से दैट द एंटायर वुमेन काइंड इन मुंबई एंड महाराष्ट्र इवन इन देश के अंदर एक मिसाल है कि जो कठिन परिस्थिति में सबका सामना करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंची है कि आज लोग उसके पास देख के उनको एंथुसियाज्म पैदा होता है, उसके पास देख के उनको ये लगता है कि ईरम जैसे हम भी बने। तो आज इतनी जो ऐसी लड़कियां हैं उनके लिए ईरम एक उदाहरण, एक अच्छा मिसाल के तौर पे सामने आई है। और जिस तरीके से ईरम काम कर रही है, जिस तरीके से वो इस कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ रही है, मैं ये समझता हूँ कि आज जो मुकाम में है उसे कहीं बढ़िया मुकाम के ऊपर ईरम जरूर पहुँचेगी और आसमान को छू लेने की क्षमता ईरम में है। मैं खुशनसीब हूँ कि ईरम मेरी दोस्त है और ईरम को उसके जन्मदिन के इस शुभ मौके के ऊपर मैं बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ईरम को बहुत ताकत दे, बहुत संयम दे और उसे बहुत एक बढ़िया मिसाल दे कि वो जीवन में और आगे बढ़ सके। बर, जय महाराष्ट्र। खरं म्हणजे आज ज्या व्यक्तिमत्वाचं आपण इकडे वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनसाठी जमलेलो आहोत आणि तुम्हीसुद्धा एक मीडिया इतक्या मोठ्या संख्येने इकडे आलेले आहात, मला तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की वाढदिवस हा प्रत्येकजण स्वतःचा साजरा करत असतो, पण प्रत्येकाचा वाढदिवस मनापासून साजरा करावा असं प्रत्येकाची लायकी नसते। परंतु काही व्यक्तिमत्व अशी असतात जे खरंच समाजासाठी काम करत असतात, देशासाठी काम करत असतात आणि त्याच पद्धतीने आपल्या लोकांना जोडून समाजासाठी काहीतरी वेगळं करत असतात। तशी जी व्यक्तिमत्व असतात त्यांच्यासाठी ज्या वेळेला हा वाढदिवसाचा कार्यक्रम केला जातो त्यावेळेला मात्र अभिमानाने उर भरून येतं। त्याच ईरम फरीदी ह्या प्रोड्युसर आहेत आणि स्वतः सोशल ॲक्टिव्हिस्ट पण आहेत आणि ज्यांनी त्या पद्धतीने काम केलेलं आहे सोशल वर्कमध्ये ते अतिशय अतुलनीय आहे। आणि मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की अशा व्यक्तिमत्वाला परमेश्वरांनी 100 वर्ष द्यावीत किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त, कारण अशीच व्यक्तिमत्व जी आहे ती देश, धर्म, जात, नाती, पाती यांच्यापेक्षाही मोठं माणूस आणि माणुसकीच्या धर्माला किंमत देत असतात आणि त्याच्यासाठी काम करत असतात। अशा व्यक्तिमत्वांना परमेश्वरांनी 100 वर्ष जगण्याचं आयुष्य द्यावं ही त्यांना मनोकामना देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अरे जी, आप देख रहे सीन सिटी लाउंज में हमारे जो दीदी है ईरम फरीदी जी, जो कि बहुत ही अच्छा आयोजन किया है आज यहाँ पे, और उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया बुलाने का, और फिर यहाँ पे पहली बार मुझे यहाँ पे आने का उनके बर्थडे में अवसर मिला है, इसलिए मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद अदा करती हूँ। इसके साथ ही जो उनकी फिल्म आ रही है उसके लिए भी हमारे किन्नर समाज की तरफ से मैं बहुत ढेर सारी शुभेच्छा देती हूँ, और हमारे किन्नर समाज की तरफ से उनके लिए बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद रहेगा, ताकि आने वाले टाइम में उनकी ऐसे ही फिल्में आते रहे और ऐसे ही उनको हमारे जो ईश्वर हैं उन्हें ऐसी तरक्की प्रदान करें और आगे जाए दोबारा हमें यहाँ पर आने का मौका मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।